हे गाइस, इट्स मी निखिल एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज का व्लॉग होने वाला है हेयर कलर के ऊपर, क्योंकि मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि अपने बालों पे दूसरा कलर ट्राई करूं, पर मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। तो आज संडे, तो मैंने सोचा कि आज कलर ट्राई करते हैं। पहले सोचा कि बाहर जाके करूँ, पर सोचा इस बार कि मैं इस बार घर पर ही करूँगा। देखते हैं कैसा कलर आता है। एक कलर लेके तो आया हूँ मैं, अब उसको हम बनाएंगे, मतलब बालों पर अप्लाई करेंगे। तो देखते हैं, चलो। वैसे मेरे पास कलर करने के लिए कुछ है तो नहीं, पर मेरे पास दो चीज़ है, रुको दिखाता हूँ। पहला ये ब्रश, और दूसरा ये कंघी, क्योंकि हमारे पास कलर कर लगाने के लिए कुछ है ही नहीं। सिर्फ कलर ही दिखा तो वही लिया है मैं, पर इसका भूल गया था लाना, तो इसको घर से जुगाड़ कर हमने, देसी जुगाड़। चलो अब इसी से अप्लाई करेंगे। ये रहा कलर, अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हम अपने सिर्फ आगे के बालों को ही कलर करेंगे, ज़्यादा करेंगे तो झंड हो जाएगी जिंदगी। Straight to my heart. I'd never noticed, but you were never there, you were never there. Hey, you gave me roses, set me apart. All I feel was bliss, but you were never there, you were never there. I want us to be what we used to be this night. Maybe just another fight, but you don't wanna see me cry. अब हम इसको 20 मिनट तक रखेंगे, फिर वॉश करेंगे, देखते हैं कैसा कलर आता है। जितनी देर तक रखेंगे उतना डार्क आएगा, तो हम ज़्यादा नहीं रखेंगे, 20 मिनट ही रखेंगे, क्योंकि हमको ज़्यादा डार्क कलर नहीं चाहिए। मिलते हैं 20 मिनट के बाद। तो मैंने बाल वॉश कर लिए हैं, मैंने कम से कम आधे घंटे तक रखा इसको लगा के, क्योंकि लाइट अच्छा नहीं लग रहा था, तो सोचा थोड़ा डार्क कर लेता हूँ। बाल को सुखाता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कलर कैसा आया। तो गाइस, ये रहा बालों का कलर, कलर तो मस्त आया है। तो आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में।